नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद उरलानिया। दोस्तों, आज अपने जिस बारे में बात करने वाले हैं वो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में अपने बात करने वाले हैं। अपने जिस नोटिस को अभी देख रहे हैं वो 27/5/2019 को विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ये निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर द्वारा 27/5/2019 को ये जारी किया गया है। इसमें क्या लिखा है वो अपने एक बार देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें लिखा है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2018 हेतु अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों को भरे जाने हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 18/6/2018 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों की संख्या का लगभग 2 गुना वर्गवार अभ्यर्थियों को वरीयता अनुसार एवं माननीय न्यायालय के विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेश निर्णय की पालना में ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है। इसमें दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित विद्यार्थियों की सूची, दिशा निर्देश एवं कार्यक्रम विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rajswasthya.nic.in पर भी उपलब्ध है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका दिनांक क्या है, इसका समय क्या है और किन किन अभ्यर्थियों को इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना है, वो इसमें सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। निर्धारित तिथि एवं समय पर अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी, ये भी यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो निर्धारित तिथि समय पर अनुपस्थित जो अभ्यर्थी रहेंगे उनकी पात्रता को निरस्त कर दिया जाएगा और जिस टाइम आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होंगे उस टाइम आपको जो किसी प्रकार का भत्ता है वो देना ही होगा। ये मुकुल शर्मा अतिरिक्त निदेशक के द्वारा ये नोटिस है, ये आपके सामने ये जारी किया गया है। ये 27/5/2019 का ये नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है वो अपना ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नाम वगैरह देख के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।